गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। दिस इज फॉर क्लास थर्ड, सब्जेक्ट रीजनिंग, चैप्टर नंबर 16, यूनिक फ्रूट्स नेम। दिस इज आर लेक्चर नंबर 3, यूनिक फ्रूट्स। Unique means extraordinary. Generally, we eat seasonal fruits to keep our body fit and fine. But there are some unique fruits which we can rarely find. Understood? आज हम बेटा इस चैप्टर में किसके बारे में स्टडी करेंगे? यूनिक फ्रूट्स। यूनिक फ्रूट्स क्या होते हैं? यूनिक फ्रूट्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मीन्स हम वैसे तो सीजनल फ्रूट्स खाते हैं जो हमारी बॉडी को फिट और फाइन रखते हैं। ओके, सीजनल फ्रूट्स मीन्स एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सब ये तो हर सीजन में मिलते हैं। बट कुछ यूनिक फ्रूट्स भी होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हम कभी कभी खाते हैं, रेयरली। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दोज यूनिक फ्रूट्स हियर in this given chapter. Okay. Name of unique fruits. In these type of questions, we will have the name of unique fruits in jumbled form. And we will need to write the exact name of that fruit using the given alphabets. Understood? बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जंबल्ड फॉर्म में यूनिक फ्रूट्स के नाम दिए होंगे और आपको क्या करना होगा? We will need to write the exact name of that fruit using the given alphabets. Alphabets ka use karke tumhe us exact fruit ka naam likhna hoga ki wo fruit kaun sa hai. Clear? Now beta, with the help of example, I will teach you the given topic unique fruits name. Unscramble the following words to get the unique fruits name. Example, LUMRREYB. Here beta, jumble words are given. You have to arrange these given jumbled alphabets. और इससे आपको क्या बनाना है? एक unique fruit का नाम. Clear beta? You have to arrange these given alphabets. Can anybody tell कि जब हम इन alphabets को given alphabets को arrange करेंगे, these are given in jumbled form, तो कौन से unique fruit का नाम बनेगा? Yes, that is mulberry. Answer is mulberry. M U L B E R R Y. Mulberry.
दिस इज अ यूनिक फ्रूट नेम. क्लियर. सी द पिक्चर ऑफ दिस यूनिक फ्रूट दैट इज मलबेरी. टुडेज होमवर्क इज अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ यूनिक फ्रूट्स. पार्ट ए सी जे के एफ आर आई यू टी डैश. हेयर बेटा इन पार्ट ए दीज अल्फाबेट्स आर रिटन इन जंबल्ड फॉर्म. आपने इनको अरेंज करके एक यूनिक फ्रूट का नाम लिखना है हेयर इन द गिवन स्पेस. हेयर स्पेस इज प्रोवाइडेड. यू हैव टू राइट द यूनिक फ्रूट नेम. ओके. आपने इन अल्फाबेट्स को क्या करना है, सही से अरेंज करके एक यूनिक फ्रूट का नाम यहाँ पर लिखना है. पार्ट बी एल ई यू बी आर बी आर आई ई एस ई डैश. हेयर ऑल्सो बेटा अल्फाबेट्स आर देयर इन जंबल्ड फॉर्म. आपने इन अल्फाबेट्स को सही से अरेंज करके यूनिक फ्रूट का नाम बनाना है एंड यू हैव टू राइट दैट नेम हियर इन द गिवन स्पेस. पार्ट सी डब्ल्यू आई आई के डैश. पार्ट सी में भी बेटा हियर अल्फाबेट्स आर गिवन इन जंबल्ड फॉर्म. यू हैव टू अरेंज दीज गिवन अल्फाबेट्स इन अ करेक्ट मैनर और उससे आपको क्या बनाना है, एक यूनिक फ्रूट का नाम एंड यू हैव टू राइट दैट नेम हियर इन द स्पेस. पार्ट डी एच सी ए ई पी डैश. इन पार्ट डी ऑल्सो यू हैव टू अरेंज दीज गिवन अल्फाबेट्स. ओके, दीज आर गिवन इन जंबल्ड फॉर्म. आपने इनको अरेंज करना है सही से और एक इससे आपका एक यूनिक फ्रूट का नाम बनेगा. यू हैव टू राइट दैट नेम हियर इन द स्पेस. आपको उस यूनिक फ्रूट का नाम स्पेस में लिखना है. पार्टी वी ए ओ डी सी ओ ए डैश. पार्टी में बेटा आपको इन गिवन अल्फाबेट्स को जो जंबल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, यू हैव टू अरेंज दीज अल्फाबेट्स इन अ करेक्ट मैनर जिससे कि आपका क्या बने, एक यूनिक फ्रूट का नाम. एंड दैट नेम दैट यूनिक फ्रूट नेम यू विल राइट हेयर इन द गिवन स्पेस. अंडरस्टूड एवरीबडी? देन यू हैव टू डू होमवर्क carefully. Now, homework solution of chapter number 16, fruits name, lecture number 2. Now, beta, we will discuss homework solution of the previous lecture, that was lecture number 2. And chapter name was fruits name in chapter number 16. Chapter number kaun sa tha previous lecture ka 16 and chapter name was fruits name. Homework solution. Unscramble the following words to get the name of fruits. पार्ट ए एन जी ए ओ एम. पार्ट ए में बेटा ये अल्फाबेट्स आपको जंबल्ड फॉर्म में दिए गए थे. ओके, एंड यू हैड टू अरेंज
दीज अल्फाबेट्स इन अ करेक्ट मैनर. आपको इन अल्फाबेट्स को करेक्ट मैनर में अरेंज करना था जिससे कि क्या बने, एक फ्रूट का नाम. सो हैव यू अरेंज्ड दीज जंबल्ड अल्फाबेट्स इन अ करेक्ट मैनर. कौन से फ्रूट का नाम बना बेटा? यस, दैट इज मैंगो. एम ए एन जी ओ. हैव यू क्रॉस चेक? वेरी गुड, दिस इज मैंगो. ओके, नाउ बेटा इन होमवर्क सॉल्यूशंस सी अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ फ्रूट्स. पार्ट बी ई पी पी एल ए एन आई पी ई. अंडरस्टूड बेटा? दीज अल्फाबेट्स आर गिवन इन जंबल्ड फॉर्म. आपने इनको सही से अरेंज करके एक फ्रूट का नाम बनाना है. ओके, कैन एनीबडी टेल? गैस? यस, आंसर इज पाइन एप्पल. ओके, पी आई एन ई ए डबल पी एल ई, पाइन एप्पल. करेक्ट आंसर इज पाइन एप्पल, मीन्स फ्रूट नेम इज पाइन एप्पल. सी द पिक्चर ऑफ पाइन एप्पल. क्लियर? होमवर्क सॉल्यूशंस, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ फ्रूट्स. पार्ट सी ए एन ए बी ए एन. ओके, दीज अल्फाबेट्स आर गिवन इन जंबल्ड फॉर्म और आपने इनको सही से अरेंज करके क्या बनाना है, एक फ्रूट का नाम. कैन एनीबडी टेल? यस, आंसर इज बनाना. ओके, सी द पिक्चर ऑफ बनाना हियर. होमवर्क सॉल्यूशंस, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ फ्रूट्स. पार्ट डी ए पी जी आर एस ई. ओके, सो कैन यू टेल मी नेम ऑफ फ्रूट्स? ये जो जंबल्ड फॉर्म में अल्फाबेट्स हैं, जब आप इनको करेक्ट मैनर्स में लिखोगे बेटा, करेक्ट ऑर्डर में, तो ये कौन से फ्रूट का नाम बनेगा? दैट विल बी ग्रेप्स. यस, आंसर इज ग्रेप्स, जी आर ए पी ई एस. सी द पिक्चर ऑफ ग्रेप्स हियर. ओके, होमवर्क सॉल्यूशंस, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ फ्रूट्स. पार्ट ई आर आर ई एच सी वाई. दीज अल्फाबेट्स आर गिवन इन जंबल्ड फॉर्म. ओके, यू हैव टू अरेंज दीज अल्फाबेट्स इन करेक्ट ऑर्डर जिससे कि क्या बने, एक फ्रूट का नाम. कैन एनीबडी टेल व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, दैट इज चेरी, सी एच ई डबल आर वाई. सी द पिक्चर ऑफ चेरी हियर. ओके, हैव यू क्रॉस चेक द होमवर्क बेटा?
वेरी गुड, थैंक यू।